तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इंस्टेंट जलेबी बनाया है और ये बहुत ही कुरकुरी बनी है। आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये कितनी कुरकुरी बनी है। तो चलिए हम इंस्टेंट जलेबी कैसे बनाएं इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जलेबी प्रीमिक्स से इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रीमिक्स रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 125 ग्राम्स या 1 कप मैदा और 30 ग्राम्स या 1/4 कप उड़द दाल का आटा। ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा, ये उर्दी मोटा बेसन के नाम से मिलता है। तो इसे हम मैदा के साथ डाल देते हैं और दोनों को अच्छे तरीके से हम एक बार छान लेंगे। दोनों को छान लिया है और अब इसमें हम डालते हैं सिट्रिक एसिड। ये देखने में चीनी की तरह लगता है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसमें हम 20 ग्राम घी डाल देते हैं। अब सबको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए प्रीमिक्स तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए मैंने लिया है एयरटाइट कंटेनर और जलेबी प्रीमिक्स को हम एयरटाइट कंटेनर में डाल देते हैं। तो जलेबी प्रीमिक्स को मैंने एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है और इसे हम कवर करके 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब बनाना हो तो इसे हम निकाल कर तुरंत ही बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में भी कवर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम जलेबी प्रीमिक्स से जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप पानी और इसे हम पैन में डालेंगे और 100 ग्राम चीनी लिया है और चीनी और पानी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम तब तक पका लेंगे जब तक कि चाशनी हल्की गाढ़ी ना हो जाए। हम इसे 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी तक पकाना है। तो हम मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 से 10 मिनट तक इसे पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है फूडिंगम और किड्स एंड राइम्स चैनल है जिसमें मेरे बच्चों ने राइम्स गाए हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। चाशनी को पकाते हुए 10 मिनट हो गया है और चाशनी ऑलमोस्ट थिक हो गई है, तो इसी समय हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून कलर का यूज़ किया है और साथ ही साथ इसमें हम थोड़े से केसर डाल देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और दोनों को अच्छे से हम बॉईल कर लेते हैं। हम कलर और केसर डालकर 1 से 2 मिनट तक के लिए और बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तार की चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये जो शुगर सिरप है वो थिक हो गया है और एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। और इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और शुगर सिरप को हम साइड रखते हैं। और चलिए अब हम जलेबी प्रीमिक्स से जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए हम जलेबी प्रीमिक्स को डालते हैं बोल में और ये जलेबी प्रीमिक्स को अगर आप शेल्फ लाइफ ज़्यादा चाहते हैं तो इसे फ्रिज में ज़रूर स्टोर करके रखें। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। हम इसमें डालते हैं 3/4 कप पानी और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे जैसा हम जलेबी बनाने के लिए करते हैं। अभी भी बैटर हमारा गाढ़ा है तो इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी और डाल देते हैं और पानी डालकर अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पानी डाला है और मेरे बैटर में कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप हल्का लाइट कलर ही डालिएगा। और अच्छे से फेंटने के बाद अब इसमें हम डालते हैं इनो और हम डालेंगे 1.5 चम्मच इनो। 1.5 चम्मच इनो और अप्रॉक्स 1 पैकेट हो जाता है और इनो डालकर हम अच्छे से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद हम घोल को तुरंत ही पाइपिंग बैग में डालेंगे। मेरे पास पाइपिंग बैग है इसलिए मैं घोल को पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से सॉस की बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं जलेबी बनाने में। और अब हम जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए मैंने लिया है पैन में घी और घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ध्यान रहे कि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए और फिर इसमें हम जलेबी बनाते हैं। घी डालने से टेस्ट अच्छा आता है इसीलिए मैंने घी का यूज़ किया है। और जलेबी को अब हम उलट पलट कर जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए हल्की सी सेक लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई कर लेते हैं।
और अगर आपको ये रेसिपी जलेबी की अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मिन्स रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, इससे आपको मेरी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे कुक होने देते हैं, हम अभी पलटेंगे नहीं। हो सकता है जलेबियाँ शेप में बहुत परफेक्ट नहीं बनी हो, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। और अब इसे हम एक एक करके पलट देते हैं। तो जलेबी बिल्कुल फ्राई हो गई है और इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये क्रिस्पी हो गई है। तो इसे अब हम तुरंत ही शुगर सिरप में डालेंगे। ध्यान रहे कि शुगर सिरप हल्का गर्म होना चाहिए, तभी रस अच्छे से अंदर तक सोक करेगा जलेबी और जलेबियाँ खाने में अच्छी लगेंगी। हम इसे 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही सोक रहने देते हैं, और जब तक जलेबियाँ शुगर सिरप के साथ सोक हो रही हैं तब तक इधर हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट बैच अच्छे से शुगर सिरप के साथ सोक हो गया है और इसे अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी सभी जलेबियाँ भी हम ऐसे ही शुगर सिरप के साथ सोक करके बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी जलेबियाँ बनकर तैयार है। आपने देखा कि जलेबी प्रीमिक्स का यूज़ करके कितनी इजीली वे में हम जलेबी बना सकते हैं। तो अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।